बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। अयोध्या नगरी, साकेत नगरी क्या बोला जाए, बौद्ध के अवशेष मिले हैं। ऐसा बौद्ध जो धर्म के अनुयायी है या बौद्ध धर्म को मानने वाले बनते हैं वो ये दावा कर रहे हैं। लगातार अम्बेडकर आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अयोध्या के अंदर जो बुद्ध धर्म है, यतम चक्र है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष निकल रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले के अंदर ओबीसी ने भी ये दावा जताया है कि वहाँ पर बौद्ध धर्म बन के अनुसार जो जितने भी अवशेष मिल रहे हैं वो दो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बुद्ध मंदिरों से, बुद्ध विहार से या बुद्ध स्थलों से जुड़े हुए हैं, अशोक के सम्राट अशोक के धम्म चक्र से जुड़े हुए हैं। यानी कि इस मामले को लेकर अब ओबीसी समाज भी आगे आ चुका है। ओबीसी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। मंडल आर्मी ओबीसी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख है, उनके द्वारा वो क्या कुछ इस मामले में कह रहे हैं वो भी आप सोचने और समझने की। जय मंडल साथियों, अयोध्या राम जन्मभूमि की खुदाई में जो धम्म चक्र और बौद्ध विहार के अवशेष मिल रहे हैं जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से उनकी निगरानी में इसकी खुदाई हो और जांच हो। और बड़ी मुश्किल से दो दशकों के खूनी संघर्ष के बाद में, हिंदू मुस्लिम विवाद के बाद में, हजारों मशरूमों की हत्याओं के बाद में, हजारों घरों के उजड़ने के बाद में, हिंदू मुस्लिम विवाद, मंदिर मस्जिद विवाद देश से ख़त्म होने की तरफ है। लेकिन इस परिस्थिति में मैं नहीं चाहता हूँ या हमारा देश नहीं चाहता है कि एक नया विवाद खड़ा हो, मंदिर मस्जिद की जगह पर हिंदू मुस्लिम की जगह पर बौद्ध हिंदू का विवाद हो या बौद्ध विहार और मंदिर का विवाद खड़ा हो और फिर राजनीति में बैठे घाग नरपिशाच इसको अपना हथियार बनाए, राजनीतिक षड्यंत्र का हथियार बनाए जिसमें फिर से खूनी संघर्ष हो, लाखों घर उजड़ें, हजारों माएँ बेबा हों और निसंतान हों, मासूम लोगों का खून बहे। तो इसलिए मैं अपील करता हूं और मंडल आर्मी ये मांग करती है कि राम जन्मभूमि खुदाई का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी में सर्वेक्षण कराया जाए और जो भी सत्य है उन तथ्यों को दुनिया के सामने पेश किया जाए और दोबारा देश में एक और खूनी संघर्ष, खूनी विवाद को पैदा होने से रोका जाए, इन राजनीतिक नरपिशाचों के हाथों, इन सफ़ेद कुर्ते के भीतर छिपे खूनी दरिंदों के हाथों देश को बर्बाद होने से बचाया जाए। मेरी अपील है, मंडल आर्मी ये अपील करती है यूनेस्को से व तमाम अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग संस्थाओं से कि इस मामले की निष्पक्ष सर्वेक्षण करें, निष्पक्ष जांच करें और तथ्य को दुनिया के सामने रखें। जय